ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के सांगली जिले में भारी तबाही हुई है। बोट पलटने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि बिजली और मोबाइल सेवा भी ठप हो गई है। हर तरफ जल भराव है। लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश होने की वजह से सांगली जिले के हालात बेहद ही भयानक बने हुए हैं। लोगों को नाव द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पेड़ से उल्टा लटकाकर युवक की बेरहमी से पीटा गया। करीब आधा दर्जन लोगों ने उल्टा लटकाकर सिर्फ इसलिए पीट रहे थे कि युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप था। इसी शक में युवक का पैर बांधकर और पेड़ में उल्टा लटकाकर बेरहमी से इस युवक की पिटाई की गई। ये घटना हरिद्वार की है, जहां दबंगों ने कानून का डर नहीं है तभी तो सरेआम इस युवक को पीटा जा रहा है। लोग इस युवक को बचाने के बजाय मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। लोगों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। ये वीडियो देखें किस तरह से उल्टा लटका कर इस युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वहीं ये दूसरी घटना मिर्जापुर की है, जहां मिर्ची चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। लात घूंसों से फिर लाठी से इसे पीटा गया। हैवानियत का ये वीडियो मिर्जापुर का है। खेत से हरी मिर्च चोरी करने का इस युवक पर आरोप है और इसकी कीमत चुकाने के लिए इस युवक की बेरहमी से जानवर बना ये इंसान पीट रहा है। देखे वीडियो किस तरह से सिर्फ मिर्चा चोरी के शक में इस युवक की पिटाई हो रही है। भारतीय वायुसेना का एक विमान सुखोई SU-30 विमान असम के तेजपुर में दुर्घटना का शिकार हो गया है। वायुसेना का ये विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था, जो सिकिया साबुरी इलाके में क्रैश हो गया। इस विमान में सवार दोनों पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है, जो इसका पता लगाएगी कि आखिर ये दुर्घटना किस कारण से हुई है। मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 के फैसले के बाद पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया था, जिसमें 110 यात्री सवार थे। समझौता एक्सप्रेस में 76 भारतीय और 41 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारत को अपने क्रू मेंबर, ड्राइवर और इंजन लेकर आए और समझौता एक्सप्रेस को लेकर जाए। भारत की तरफ से ड्राइवर और इंजन भेजा गया, जिसके बाद समझौता एक्सप्रेस को वाघा बॉर्डर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लाया गया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।